आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इन फिजिक्स एनर्जी इज एन इनडायरेक्टली ऑब्जर्वड क्वांटिटी दैट इज ऑफन अंडरस्टूड एज द एबिलिटी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम टू डू वर्क ऑन देयर फिजिकल सिस्टम मतलब एनर्जी क्या होता है एबिलिटी टू डू वर्क किसी भी काम को करने की हमारे अंदर कितनी क्षमता है उसको बोलते हैं हम एनर्जी हाई दिस मस्ट बी अंडरस्टूड एज सिंप्लीफाइड डेफिनेशन एज शेल कम टू नो इन हायर क्लासेस दैट नॉट ऑल एनर्जी कैन परफॉर्म वर्क कि हमें धीरे दीर धीरे करके पता चला कि सारी एनर्जी ऐसी नहीं होती कि जो वर्क को परफॉर्म कर रही है अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी इमर्ज की जो कॉन्सेप्ट है एनर्जी का ये कहाँ से आया कैसे इन्वेंट हुआ कैसे इमर्ज हुआ तो इस सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी वॉज इमर्ज आउट एज द आइडिया ऑफ लिविंग फोर्स जो लिविंग फोर्स का एक आइडिया था उसके थ्रू एनर्जी का इमर्जेंस हुआ है एज आइडिया ऑफ लिविंग फोर्स एंड इट जोर्स था वो कंजर्व होता है इसकी वजह से हमारा जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो डिराइव लिविंग फोर्स वॉज कंजर्व अब हमसे सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड इन टिपिकल लाइटनिंग स्ट्राइक जो टिपिकल लाइटनिंग स्ट्राइक होता है उसमें कितनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है तो इसके अंदर अराउंड फाइव हंड्रेड मेगा जूल्स एनर्जी जो होती है वो जनरेट होती है अब ये किस फॉर्म में जनरेट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है वट आर द फॉर्म्स टू विच दिस एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड अब जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई अभी किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है तो सबसे पहला फॉर्म है डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं दो तीन ही मेंशन करेंगे सबसे पहला फॉर्म है साउंड एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है दूसरा है थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है तीसरा हम कह सकते हैं लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और भी बहुत सारे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है तो एसेकट्रा अब थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वट इज द कानेटिक एनर्जी ऑफ पैसेंजर सिटेड इन अ मूविंग प्लेन फर्स्ट पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू प्लेस और विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर कोई बंदा प्लेन में बैठा हुआ है तो उसकी कानेटिक एनर्जी कितनी होगी प्लेन के रिस्पेक्ट में भी और अर्थ के रिस्पेक्ट में भी तो सी पार्ट में पहला विद रिस्पेक्ट टू प्लेन है अगर तो प्लेन के रिस्पेक्ट में जो उसकी कानेटिक एनर्जी होगी कानीटिक एनर्जी विल वी जीरो क्योंकि प्लेन में बैठा है वो बंदा तो उसको प्लेन की जो प्लेन है उसके रिस्पेक्ट में उसकी कानेटिक एनर्जी जीरो होगी लेकिन अगर कोई बंदा उसे अर्थ से देखेगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो उसको वो बंदा मूव करता हुआ देखेगा, तो हुआनेटिक एनर्जी विल नॉट बी इक्वल टू जीरो विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर